हमारा जो आज का जो तर्कशास्त्र है उसको संस्कृत में न्याय दर्शन कहते हैं, ऋषि गौतम ने दिया था। गणित हमारे पास है, अप्लाइड साइंस है, और आयरन पिलर को जब हम देखते हैं दिल्ली में तो यहाँ समझ में आता है कि अच्छा मेटलर्जी तब तो रही होगी, बिना मेटलर्जी के कोई आयरन पिलर कैसे बना सकता है। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट को या एंड रिजल्ट को देख करके एक ट्रेस बैक कर सकते हैं कि नहीं कुछ तो रहा होगा। उसका जो रूट है वो है तर्कशास्त्र। बिना तर्कशास्त्र से साइंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट दोनों नहीं आते। आज का जो विषय है वो हम लोग बहुत डेप्थ में देखने वाले हैं कि जो हम लॉजिक की बात करते हैं, तर्कों की बात करते हैं, वो भी एक साइंस है। ठीक है, मतलब डिबेट कैसे करना चाहिए। एक हम लोग जो कम्युनिकेशन स्किल को अभी तक समझते आ रहे थे कि बहुत अच्छी इंग्लिश जब हम बोलते हैं, वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, डिलीवरी बहुत अच्छी होती है, तो उसको हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। तर्कशास्त्र कुछ और कहता है, उसको हम आज देखेंगे। और जो लोग एंशियंट विजडम में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने आदि शंकराचार्य का नाम सुना होगा, उनकी दिग्विजय यात्रा के बारे में सुना होगा कि कैसे उन्होंने 4500 संप्रदायों को तर्क से हराया है। मतलब अभी जो हमारे भारत में हम देखते हैं जो विभिन्न संप्रदाय हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू में भी हैं, जो निराकार को मानते हैं, कोई मूर्ति उपासक है, कोई दुर्गा माँ की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी के उपासक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, वेराइटीज़ है। लेकिन कभी भी आप देखिएगा भक्ति ट्रेडिशन में एक बात होती है कि भगवान के शरण में आए हो तो तर्क को छोड़ कर आओ, है ना, मतलब विश्वास के आधार पर बातें होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, तर्कशास्त्र ये कहता है कि तर्क अगर सूट नहीं कर रहा है तो हम उस भगवान को भी नहीं मानते, अगर उस लॉजिक में उसमें फिट नहीं बैठता है। तो सबसे पहला जो स्लाइड है उसका नाम है अरुंधति न्याय। अरुंधति न्याय क्या है कि एक एंशियंट ट्रेडिशन है, ये शादी के बाद होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में। इसको कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग को कैसे हमको डेवलप करना है। तो अरुंधति न्याय में क्या होता है, नोन टू अननोन बात की जाती है। जो दो व्यक्ति जब पहली बार बात करता है तो ऐसी बात करता है जो दोनों को पता हो, देन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो अननोन की तरफ बढ़ता है। तो उसमें टास्क का क्या दिया जाता है कि अरुंधति नक्षत्र एक तारा है, उसको ढूंढना होता है। अब वो हस्बैंड अपनी वाइफ को गाइड करता है, वो कहता है कि ये पेड़ के पास पहले देखो, इसकी ये दूसरी टहनी को देखो, उसके बगल में तुम्हें कुछ ये दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके उसको पॉइंट आउट करने के लिए बड़ा टफ है सीधे एक तारे को बताना ये तारे की मैं बात कर रहा हूं। बट धीरे धीरे जो हमें हम दोनों को पता है उससे हम जब प्रोसेस को डेवलप करते हैं उसको कहते हैं अरुंधति न्याय। और ये टीचर्स का फंडामेंटल रूल रहा है हमारे शास्त्रों में कि जब भी कोई बताएगा कुछ पहले वो बात बताएगा जो पता हो। तो तर्कशास्त्र हम क्यों उस पर बात भी कर रहे हैं, तो पहला तो हो गया बेटर साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है। दूसरा है ऑब्वियसली रीजनिंग कैपेबिलिटी, हाउ टू वैलिडेट व्हाट यू नो, सेटिस्फाई द ओपोनेंट्स। ये बहुत अच्छा बात है कि आपका जो ओपोनेंट है वो भी आपकी बात मान जाए, वो झगड़ा ना करे आपसे, ठीक है। उसके बाद है वो इतना कन्विंस हो जाए कि उसका कोर्स ऑफ एक्शन ही बदल जाए, उसका सोचने का और जीवन जीने का तरीका बदलने लग जाए, इतना अच्छा आपका लॉजिक होना चाहिए। देन बेटर डिसीजन मेकिंग, निर्णय एंड लर्निंग द ज्ञान मार्ग। लेकिन आप देखिए कि अगर दो व्यक्ति डिस्कशन कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ रूल्स नहीं होंगे तो हम क्या कहते हैं, डाइग्रेस हो रहा है, जिस टॉपिक से हम बात स्टार्ट किए थे वो कहीं और चला जाता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि आई हैव माई राइट टू हैव माई ओपिनियन, हमें ओपिनियन रखने का अधिकार है, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए ओपिनियंस का, ये भी बात होती है। फिर तर्कशास्त्र करेगा कि नहीं ओपिनियन के पहले क्या आएगा। जैसे दो दोस्त हैं, उनको कहा जाए कि बिना देखे बताना है कि पंखा ऊपर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, सर को नीचे रखना है। दो दोस्त हैं बोल रहे हैं कि बताना है उन्हें, तो एक कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही है तो नहीं घूम रहा होगा, दूसरे ने कहा हवा नहीं लग रही है तो नहीं घूम रहा होगा। दूसरे केस में बोला गया कि नहीं डिबेट खत्म करो, पंखे को देखो ठीक से पहले, तो दोनों ने कहा कि नहीं घूम रहा है, तो अब इस पर डिबेट करो, तो बोला क्या डिबेट करें, अब तो प्रमाणित हो गया, निर्णय हो गया, फाइनल जब निर्णय हो जाता है तो डिबेट नहीं होता है उसके बाद, तो हम कहते हैं शास्त्रार्थ का एंड हो गया। तो तर्क क्या करता है, एक एजम्पशंस को फॉलो करता है हमारे। उन दोनों का एजम्पशन क्या था कि हर पंखे का आवाज आता है और हर पंखा हवा देता है। और एजम्पशंस कहां से आता है, एक्सपीरियंस से आता है।
आपके पास वो चीजों का एक्सपीरियंस था। तो तर्कशास्त्र ये कहेगा कि जिस चीज का आपको एक्सपीरियंस नहीं है उसका तर्क आप ठीक से नहीं लगा पाएंगे। पहली बात तो ये, ठीक है, तर्कशास्त्र ये कह रहा है जिस डायमेंशन को आपने देखा नहीं है, जाना नहीं है, उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप कुतर्क देंगे। जैसे सबरीमाला का जो केस हुआ तो उसमें क्या है कि उन्हें यह पता नहीं था कि अलाउड क्यों नहीं है वुमेन, है ना, उनको लगा कि यह डिस्क्रिमिनेशन है, तो उस बेसिस पे पूरा लॉजिक को डिसाइड किया गया। ठीक है, तो तर्कशास्त्र यह कहता है कि पहले देखिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन है तो क्यों है, उसको पहले आप जज करिए, पहले वो इन फर्स्ट प्लेस है ही क्यों, सुपरस्टिशन अगर कोई है तो उसको देखिए कि वो है ही क्यों। ठीक है, तो तर्क यह कहता है कि अनुभव का तर्क पीछा करता है एक्सपीरियंस का, तो अपने एक्सपीरियंस को जरूर बढ़ाना चाहिए, जिसमें यात्रा जो है उसका बहुत उसका प्रोमिनेंट रोल है। नेक्स्ट स्लाइड। तो डिबेट की तीन कैटेगरी होती है। अब ये तीनों में एक को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो जल्प लिखा हुआ है, संस्कृत में जल्प कहते हैं, जो बातचीत हार और जीत के लिए की जाती है उसको जल्प कहते हैं, जिसमें मतलब दो व्यक्ति बैठे हैं, दो अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले हैं मान लीजिए, उसको गलत और सही से मतलब नहीं, उसको ये मतलब है कि मेरा स्टैंड अंत तक स्टैब्लिश हो जाए, उसको कहते हैं जल्प। उसमें दो दोस्त भी हो सकते हैं जिनके बीच में झगड़ा हो सकता है, बातचीत बंद हो सकती है, क्योंकि उसका पर्पस है जीतना, किसी भी तरीके से जीतना, उसको कहते हैं जल्प। ठीक है, जल्प में ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है, मतलब दो व्यक्ति जितना उनका नॉलेज था, वो जो दो घंटे झगड़ा किए, डिबेट किए, जब वापस जाएंगे दोनों जहां पर थे वहां पर ही रह गए। ठीक है, लेकिन जल्प का एक और तरीका भी है कि जब आपको बता दिया जाए कि अब जीत और हार का ही विषय है, तो वहां पर जल्प का मेथड हम लोग यूज करते हैं। वितंडा क्या होता है, हम अपना स्टैंड ना बताएं और फॉल्ट लाइंस पकड़ना स्टार्ट करें, उसका बस फॉल्ट पकड़े सामने वाले का, अपना कभी नहीं बताएं कि हम किस साइड है, मेरा सिद्धांत क्या है, मेरा हाइपोथेसिस क्या है, मेरा विचार क्या है, इसको बिना बताए जब हम फॉल्ट पकड़ते हैं उसको कहते हैं वितंडा। वितंडा का सम्मान नहीं होता था भारतीय समाज में, वितंडा का सम्मान सबसे कम होता है, क्योंकि वो गलतियां ढूंढने के लिए बस वो बस उसका वही काम है कि फॉल्ट्स हम कहां ढूंढें। ठीक है, और जैसे ही वो अपना स्टैंड बताएगा उसका फॉल्ट पकड़ा जाएगा, इसलिए वो कभी अपना स्टैंड नहीं बताएगा, तो वो होता है वितंडा। और जो एक और था उसको कहते हैं वाद। अब ये वर्ड जो था वाद और विवाद प्रतियोगिता, डिबेट कॉम्पिटिशन, उसमें देखिए विवाद जो शब्द आ रहा है वो जल्प और वितंडा, वो विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट, और वाद होता है नॉलेज के लिए जो दो साइंटिस्ट के बीच में होता है, एक साइंटिस्ट रिफ्यूट करता है दूसरे साइंटिस्ट को, मतलब न्यूटन है तो रिलेटिविटी थ्योरी आएगी तो न्यूटन गलत हो जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन हम उस प्रोसेस का सम्मान करते हैं कि उससे साइंस डेवलप हुआ है, गलत है बट उस मेथडोलॉजीज का सम्मान करते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, तो वाद क्या करता है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट दे रहा है कि हमें पता है कि ये पार्ट गलत है, हम एक्सेप्ट भी करना स्टार्ट करते हैं और वहां पर हार और जीत का कोई सेंस नहीं रहता है, हम लिसनर बन जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इको चेंबर में हम लोग आजकल हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, मेरा बारी कब आएगा बोलने का, तब हम एक डेटा लाएंगे, तब हम एक लॉजिक देंगे, तब पता चलेगा कि तुम्हारा जो लॉजिक है उसका कोई सेंस नहीं है। तो वाद के लिए पहले तो लिसनिंग टेंडेंसी होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि आपको ये चीज नहीं पता है, है ना। जैसे होता है कि एक व्यक्ति हर फील्ड का एक्सपर्ट जब बन जाता है तो फिर वाद जो है विवाद में बदलने लगता है। तो संस्कृत में श्लोक आता है वादे वादे जायते, मतलब वाद से ही सोसाइटी डेवलप करती है। तो 1% पॉपुलेशन अगर वाद सीख जाती है तो हम उसको समझते हैं कि वो बड़ा रैशनल और सेन माइंड का सोसाइटी और सिविलाइजेशन हो जाएगा। तो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रमाण। अब प्रमाण क्या है कि आप देखिएगा कि जो प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो लॉयर्स अगर अच्छा लॉजिक देता है, तर्क देता है, तो उससे फैसला नहीं होता है, फैसला किससे होता है, सबूत पे, उसको कहते हैं प्रमाण। तो होता क्या है कि कभी हम जब बातचीत करते हैं तो एक व्यक्ति बहुत अच्छा तर्क देता है, लॉजिक देता है, और चार व्यक्ति मान लेते हैं कि अच्छा ऐसा ही हुआ होगा, तो तर्क जो है वो डिसाइड नहीं करता है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि तर्क झुकाता है बातों को, आपका अच्छा लॉजिक होगा तो बात आपके तरफ झुक जाएगी, सामने वाले का तर्क लॉजिक अच्छा होगा तो बात झुक जाएगी,
डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि कोई इवेंट होता है तो आइडियोलॉजिकल ग्रुप अगर है, अलग अलग ग्रुप है ना, कोई कम्युनिस्ट है या कोई लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, अल्ट्रा लेफ्ट है, नास्तिक है, आस्तिक है, संघी है, हर प्रकार का अगर हम ग्रुप करें तो उसमें क्या होता है, वो क्या कहा जाता है कि वो तर्क दे रहा होता है हर व्यक्ति। एक ही इंसिडेंट को हम, एक व्यक्ति एम्पलीफाई करता है, दूसरे इंसिडेंट में वो शांत हो जाता है, तीसरे इंसिडेंट में आप देखेंगे वो जो पिक एंड चूज होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो लॉजिक पे उसका बेस है, प्रमाणों पे बेस नहीं है। उसको कोई मैसेज आता है, उसको वो सच मान लेता है ना। तो यहां पर जो चार प्रमाण है, शब्द प्रमाण इसमें सबसे जो अंत है उसको कहते हैं टेस्टिमोनियल्स। अब शब्द प्रमाण मतलब एक न्यूज आर्टिकल शब्द प्रमाण नहीं होता है। शब्द प्रमाण ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो ऑथेंटिक है, आप्त पुरुष है संस्कृत में कहे, उसकी बातों को मानते हैं। जैसे कि बॉटनी का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है तो बॉटनी की जब बात करेगा तो उसका जो प्रमाण होगा उसको कहेंगे शब्द प्रमाण, ठीक है, टेस्टिमोनियल्स। और इसमें जो पहला है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है, डायरेक्ट परसेप्शन। अगर भगवान सामने दिखते तो बड़ा आसान होता बात करना, तो डायरेक्ट परसेप्शन सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करता है, कोई डाउट नहीं रखता है, संशय नहीं रखता है। लेकिन ये बस प्रेजेंट मोमेंट में होता है, वर्तमान काल में, पास्ट में नहीं होता है, फ्यूचर में नहीं होता है। पास्ट के लिए हमें चाहिए होता है इन्फेरेंस, अनुमान, जिसमें डेटा, ग्राफ्स, फॉरकास्टिंग जो पूरा आता है कि हम एक डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर हम जज करते हैं एक पैटर्न को और इन्फर करते हैं, तो उसको हम संस्कृत में कहते हैं अनुमान प्रमाण। ये पास्ट डेटा के, पास्ट एनालिसिस पे, रिग्रेशन एनालिसिस हो, कोई भी एनालिसिस हो, उसके बेसिस पर जब हम जजमेंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं अनुमान। और एक और प्रमाण है उपमान प्रमाण। ऑब्वियसली एनालॉजी इट्सेल्फ इज नॉट अ कंप्लीट प्रूफ। एक बच्चे को हमें जीब्रा के बारे में बताना और खुद नहीं देखे हैं तो कहेंगे कि घोड़े जैसा है बट उसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होंगे। तो एक एनालॉजी जब देते हैं और उससे कुछ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं उपमान प्रमाण। तो ये चार जो बेसिस है ये तर्कशास्त्र का, तर्कशास्त्र ये कहता है इन चारों को साथ रखना चाहिए। चारों को साथ आप रखेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से आप वैलिडेट कर पाएंगे चीजों को। अगर आपके आंख के सामने हो रही है उसको आपको हर ढंग से उसको आपको टेस्टिमोनियल्स के थ्रू, अनुमान के थ्रू, उपमान के थ्रू उस चीज को आपको देखना है, समझना है। अगर उसमें आपने एक एलिमेंट लिया जैसे सिर्फ शब्द लिया और प्रत्यक्ष को नेग्लेक्ट कर दिया आपने, आंख के सामने हो रहा है फिर भी आप मान ही नहीं रहे हैं तो हम कहेंगे ना कॉमन सेंस नहीं है आपका, आप पीयर रिव्यूड रिसर्च पेपर को ही बस मानते हैं। तो क्या होता है जब साइंटिस्ट होते हैं आगे जाकर के, इकोनॉमिस्ट भी होते हैं आगे जाकर के, एकेडमिशियन बन जाते हैं, वो कुछ मानना ही बंद कर देते हैं जब बोलते हैं कि जब तक पीयर रिव्यूड पब्लिश्ड पेपर नहीं हम मानेंगे नहीं बात को। तो वो क्या हो गया कि वो प्रत्यक्ष प्रमाण छोड़ दे रहे हैं, वो शब्द प्रमाण को पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो चीज है ये पूरा हमारा वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज का एक बेस होगा। अब तर्कशास्त्र कहता है कि अब जो अब दो व्यक्ति डिबेट करने बैठे हैं तो उनको एक रूल्स अब बताना स्टार्ट किया जाएगा। अगर बाउंड्री हम डिसाइड नहीं करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, उसका आउटकम नहीं निकलेगा, डाइग्रेस कर जाएगा, बात कहीं कुछ और करने निकले थे कुछ और कहीं और पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो बात करने का जो ढंग है वो ऐसे करना चाहिए, तर्कशास्त्र ये कहता है कैसे करना चाहिए। जैसे अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि ये पांच इसके अंग हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उसमें है कि पहले हाइपोथेसिस, प्रोपोजिशन आप बताते हैं। जैसे कि अगर आपने फायर को देखा किसी पहाड़ के पास, हिल के पास, तो आपने कहा कि वहां पर देखो आग लगी हुई है पहाड़ में, तो दूसरा सेंटेंस क्या होगा, क्यों लगी हुई है, क्योंकि वहां पर धुआं दिख रहा है, हमें आग दिख नहीं रही, धुआं दिख रहा है, और जहां धुआं होता है इसका मतलब वहां पर आग अवश्य होता है, जरूर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कंक्लूड करते हैं कि वहां पर आग लगा हुआ है। अब ये बड़ा सिंपलिस्टिक लग रहा है बट यहां पर आप देखिए कॉज एंड इफेक्ट बीच में मेंशन कर रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास नहीं है, आग दिख नहीं रहा है, स्मोक दिख रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हम अनुमान को यूज कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस है कि जहां आग लगा होता है वहां धुआं होता ही है, जरूरी नहीं, लेकिन जहां धुआं होता है वहां कंपल्सरी होता है कि आग वहां लगी हुई हो। अब देखिए कॉज एंड इफेक्ट को ध्यान से देखिए, जो मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां आग लगी होती है जरूरी नहीं कि वहां स्मोक हो, बट जहां स्मोक हो वहां जरूरी है कि आग जरूर लगी हुई होगी, ठीक है।
तो ये क्या है कि एक जब भी हम इस सीक्वेंस में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप तार्किक बात कर रहे हैं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शब्दों का मैंने यूज किया अभी तक, उसको अगर हम सिंप्लीफाई करके मैं अगर यहां पर लिखूं तो पहला हो गया प्रमाण, जो चार आपने पढ़ा, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। हाइपोथेसिस की हमने बात की, डाउट, तर्कशास्त्र करते ही क्यों, डाउट रिजॉल्व करने के लिए, संशय। अब संशय भी बहुत सुंदर सुंदर संशय होता है, जैसे कि आप थोड़ा धुंधला है, रात का समय है, स्कूटी से जा रहे हैं तो आपको लगा कि वहां कोई खड़ा है व्यक्ति, बट सामने जाकर देखे तो एक खंभा था बस। अब ये जो डाउट है इसमें श्योरिटी क्या है, हाइट सेम था तभी आपने उसको एक ह्यूमन समझा, उसकी विड्थ मनुष्य जैसी, ह्यूमन जैसी थी तो आपने वो समझा। अगर वहां पर कुछ इलेप्टिकल होता तो आप उसको ह्यूमन नहीं समझते, वो लॉग जैसा कुछ दिख रहा था। तो डाउट क्या होता है, डाउट तभी होता है जब कुछ पार्ट की श्योरिटी हो, ऐसे ब्लैंक डाउट नहीं होता है, एक्सक्लूसिवनेस का डाउट होता है, ठीक है। दूसरे फेज में एक डाउट आता है जिसमें एक्सक्लूसिव आपको पता होता है, कॉमन पार्ट उसका नहीं पता होता है। तीसरा डाउट होता है आपके आंख के सामने होता है, आपको दिखाई नहीं देता है, गाड़ी की चाबी, चश्मा, ये डाउट क्या है, ये आंख के सामने है और दिखाई दे रहा है फिर भी आप ढूंढ नहीं पा रहे, ये एक डाउट है। मृग तृष्णा, जो मिराज है, वो होता नहीं है फिर भी दिखाई देता है, वो दूसरे प्रकार का डाउट है। तो डाउट्स की पांच कैटेगरी तर्कशास्त्र कहता है कि इस सारे डाउट को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है प्रयोजन, ये बहुत जबरदस्त चीज है, इंटेंशन पता होना चाहिए, बातचीत करने के पहले, डिबेट करने के पहले इंटेंशन पता होना चाहिए कि ये हराने के लिए बैठा है, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बैठा है, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए बैठा है, नैरेटिव सेट करने के लिए बैठा है, या कुछ उसको मतलब कुछ भी उसका पर्पस है, नॉलेज से हटकर कोई भी उसका पर्पस है। उसका पर्पस ये नहीं है कि आज मुझे कुछ सीखने मिलेगा, कुछ जानने मिलेगा, सामने वाले से भी जानने मिलेगा। तो प्रयोजन जो है वो बहुत ज्यादा, इंटेंशंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे लॉयर्स है तो उन दोनों लॉयर्स का अपना अपना इंटेंशन है कि हमारे अपने क्लाइंट को जिताना है, सच क्या है पता लगाना है, वो इंटेंशन नहीं होता है, इसलिए कोर्ट केस प्रोसीडिंग्स चलती रहती है, क्योंकि इंटेंशंस क्लियरली डिफाइंड है कि क्लाइंट को जिताना हमारा धर्म है, सच को ढूंढना हमारा धर्म नहीं है। तो इंटेंशंस लॉजिक डिसाइड करता है, तो हम लूप होल्स ढूंढते हैं फिर, और फिर प्रोसीडिंग्स को खींचते हैं, नए डेट्स लेते हैं, तो हम कहते हैं वहां न्याय नहीं होगा। तो जुडिशियरी में भी एंशियंट टाइम में तर्कशास्त्र को फॉलो किया जाता था, कोई डिसीजन लेना है तो उसमें तर्कशास्त्र के बेसिक पर्पस जो है, उसमें प्रयोजन बड़ा वेल डिफाइंड थे कि वो प्रयोजन के हिसाब से जो है वो चीजें होंगी। दृष्टांत एग्जाम्पल को कहा जाता है, ये बहुत ही सुंदर पाठ है तर्कशास्त्र का कि एग्जाम्पल कैसे देने चाहिए। पहला तो एग्जाम्पल एक देना चाहिए, दो दे रहे हैं, तीन दे रहे हैं, इसका मतलब आपको ही नहीं समझ में आया है, तभी आपको समझाने में दिक्कत हो रहा है। और तर्कशास्त्र कहता है कि व्यक्ति दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नैसर्गिक, बॉर्न टैलेंटेड, तुरंत ग्रैस्प कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत जबरदस्त है। दूसरा होता है वैनयिक, विनय, मतलब वो हार्ड वर्क से अपने आप को कैपेबल बनाया है, वो बॉर्न टैलेंटेड नहीं था बट इयर्स ऑफ प्रैक्टिस के बाद वो एक स्टेज पे पहुंचा है जब उसकी भी कॉम्प्रिहेंशन कैपेबिलिटीज बढ़ गई है, मतलब थिसोरस पढ़ा, मेडिजी पढ़ रहा है तो उसकी वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी बाद में जाकर के। बट तीसरी एक कैटेगरी होती है जो ये दोनों नहीं होता है, उसको एग्जाम्पल समझ में आनी चाहिए, मतलब वो बॉर्न टैलेंटेड भी नहीं है, मेहनत करता है फिर भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, बड़ा हार्ड वर्किंग भी है बट एक लेवल के बाद वो रुक जाता है, उसको एग्जाम्पल जरूर समझ में आनी चाहिए। अगर उसको नहीं एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपने एग्जाम्पल ठीक से नहीं दिया है, उसको दृष्टांत कहते हैं संस्कृत में। सिद्धांत, एक्सेप्टेड पोजिशन, ऑब्वियसली एक्सेप्टेड पोजिशंस पहले मालूम होने चाहिए, बातचीत करने के पहले हमें पता ही नहीं कि तुम्हारा स्टैंड क्या है, मेरा स्टैंड क्या है। ब्लाइंडर अगर आप जाएंगे, स्टैंड किसी का पता नहीं है तो सामने वाला अपना स्टैंड बदल देता है, बात करते करते अपना स्टैंड ही बदल देता है। जैसे कि एक कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट अगर आपस में डिबेट करेगा, ठीक है, तो कैपिटलिज्म वाले को सोशलिज्म की समझ नहीं है और सोशलिस्ट वाले को कैपिटलिज्म की समझ नहीं है, दोनों को एक दूसरे की बुराइयां पता है बट एज अ फिलोसफी, एज अ कॉन्सेप्ट, दोनों को एक दूसरे की बात पता नहीं है, एक्सेप्टेड पोजिशन पता नहीं है
और डिबेट कर रहे हैं तो फंडामेंटली वो एग्जाम्पल देने लगेंगे और एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड देने लगेंगे कि रशिया के साथ ये हुआ है ना, मतलब पॉइंट ये है कि ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे पता चला उसको ही वैलिडेशन की अभी जरूरत है, पता नहीं बाहर स्टोरी क्या होकर आई है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स क्या मैसेज देता है वो आम व्यक्ति के लिए उसके समझ के बाहर है ना। आगे आते हैं अव्यय, जो अभी हम लोगों ने बात की, मेंबर्स ऑफ सिलोजिज्म तोड़ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें कॉज एंड इफेक्ट जरूर होना चाहिए, उसका रूट कॉज जरूर हम बात करें, कार्य कारण सिद्धांत। और तर्कशास्त्र ये कहता है कि बालू के पार्टिकल से बरगद का पेड़ नहीं निकलेगा, बरगद के बीज से बरगद का पेड़ निकलेगा, इसका मतलब जो मैनिफेस्टेशन है उसकी पोटेंशियलिटी उसमें पहले से होगी। तो तर्कशास्त्र इस भाषा में बात करें कि ब्रह्मांड जहां से बना है वो पूरा ब्रह्मांड स्वयं में होगा, तभी ब्रह्मांड उससे बना है, तर्कशास्त्र ये कहेगा। ठीक है, ऑब्वियसली जो तर्क है रीजनिंग हो गई, जो झुकाता है बातों को, कॉन्क्लूड नहीं करता है, इस बात को याद रखना बड़ा जरूरी है कि तर्क जो है एक लिमिटेशन है। क्यों लिमिटेशन है? क्योंकि तर्क जो है वो लैंग्वेज के डोमेन में आता है और लैंग्वेज का एक लिमिटेशन है। बहुत लोग जैसे हम रिलेशनशिप में भी बात करते हैं तो दोनों पार्ट को लगता है कि उसका जो है सेंस ज्यादा सही है और दूसरा वाला लॉजिकल कम साउंड कर रहा है। तो क्या होता है कि तर्क जो है वो भाषा को फॉलो करता है और भाषा सारी भावनाओं को नहीं बता पाता है। सारे इमोशंस को बेस्ट पॉसिबल तरीका है पोएम्स के रूप में लिखने का, बट पोएम्स एग्जैक्ट नहीं होते आपके इमोशंस के। पोएम्स जो है बहुत हद तक इमिटेट कर सकता है, तो क्योंकि लैंग्वेज का लिमिटेशन है इसलिए लॉजिक का लिमिटेशन है। ये नहीं कि चीजें इलॉजिकल है तो बड़ा वो फॉल्स है, स्यूडो है, ट्रू नहीं है, ऐसे नहीं ट्रीट करते लॉजिक को, क्योंकि लॉजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो साइंस के डेवलपमेंट के लिए, जीवन जो है वो लॉजिक के बाहर की भी फेरी को कवर करता है। ठीक है, इसलिए तर्क लिमिटेड है। निर्णय वाद पे हमने बात की, जल्प पे हमने बात की, और वितंडा। वितंडा क्या था? जब फॉल्ट लाइंस बस पकड़ता है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तुम्हारा अथॉरिटी क्या है, तुम कौन होते हो ये बोलने वाले, ये वाला जो लैंग्वेज है वो वितंडा का लैंग्वेज है। जल्प का है बहुत इंटेलेक्चुअल साउंड करेगा बट वो वर्बोस में होता है, मतलब वो बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स लाएगा, डेटा लाएगा, साइटेशंस लाएगा, बट उसका पर्पस हराना होता है, उसका पर्पस ये नहीं है कि आज मुझे भी कुछ सीखने को मिले। और तर्कशास्त्र ये भी सिखाता है कि हराते कैसे हैं। अगर कोई सामने वाला आ ही गया है कि आज भिड़ना है, उसको हराना ही है, तो उसकी टेक्निक है, हराने की भी बहुत टेक्निक है। 24+22 46 मेथड है सामने वाले को धराशायी और परास्त करने का। प्राचीन काल में क्या होता था कि एक बौद्धिस्ट बैठा है, कुमारिल भट्ट है, और एक व्यक्ति बैठा है जो हिंदू धर्म के तर्कों के आधार पर वेद को लेके बैठा हुआ है। अब तर्कशास्त्र उस लेवल पे बात करता है कि आप अगर उसको हराते हैं तो वो आपका शिष्य बनना चाहिए, अगर वो आपका स्टूडेंट नहीं बना है तो आपका लॉजिक सही नहीं है, आपको कन्विंसिंग परसुएसिव पावर आपके पास नहीं है जब तक आपकी बात मानने ना लगे। ठीक है, तो इसमें ये चार है, इसमें एक छल है, बहुत ये जो छल है ये बड़ा, जैसे लिखा हुआ कहीं पर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अब दो दोस्त बात कर रहे हैं, वो उसको टोक रहा है, पानी भी पीने मना कर रहा है, पानी भी मत पियो, उसका सेंस कुछ और है। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का जो पर्पस है वो फुलफिल अपना करता है, बट हम कह रहे हैं नहीं पानी भी नहीं पियेंगे, ये तो लिखा हुआ है भाई, इसको कहते हैं छल। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, अब ये मुहावरा है, इसमें ना तो ऊंट होता है ना तो जीरा होता है, इसका मतलब कुछ और होता है। तो लिटरल शब्दों को आपके पकड़ के आपके पीछे जो पड़ जाए, ठीक है, मैं बुराई नहीं करना चाहूंगा, जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर का जो एक आया था, कई अवधि शब्दों को पकड़ के वो एक्सप्लेन कर रहे थे। अब अवधि संस्कृत और हिंदी दोनों से अलग है, अगर हमने अवधि को हिंदी मीनिंग करके अगर एक्सप्लेन कर दिया तो वो शाब्दिक अर्थ वो निकाल रहे हैं, लिटरल मीनिंग, लेकिन वो उसको तर्कशास्त्र में कहेंगे ये तो छल हो गया यार, उसका कॉन्टेक्स्ट बताओ, ये जो सेंटेंस आया था इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तब हमें पता चलेगा कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, क्योंकि मुहावरों में भी हम बात करते हैं। ठीक है, निग्रह स्थान जो है ये 22 मेथड है फॉल्ट लाइन पकड़ने का, जैसे सामने वाला ऐसा एग्जांपल दे दे जो इटसेल्फ अनप्रूवन है, वो प्रूव ही नहीं हुआ है, ऐसा एग्जांपल उसने दे दिया तो वहां पर डिबेट खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब उसके एग्जांपल को ही स्क्रूटनी की अभी जरूरत है, एग्जांपल ही सही नहीं है। ठीक है, तो वो डिफीट हो गया उसका।
दूसरा क्या होता है कि एग्जाम्पल से नया प्रपोजिशन बना लिया, मतलब हम दो एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसने एक एग्जाम्पल दिया, अब वो एग्जाम्पल ही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन जाता है। तो वहां पर फिर हम एग्जाम्पल, मतलब अपना जो मेन डिबेट था वो छोड़ करके हम जो है कुछ दूसरी बात करने लगते, तो निग्रह स्थान है वहां पर है कि वो डिबेट खत्म हो गया। वहां पर एग्जाम्पल ज्यादा दे दिया आपने, कॉम्प्लिकेटेड दे दिया। एग्जाम्पल का कॉज एंड इफेक्ट और प्रोपोजिशन का कॉज एंड इफेक्ट मैच नहीं कर रहा है, वो डिफीट है। ठीक है, दोनों का कॉज एंड इफेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, हेत्वाभास में है, उसमें होता है कि ऐसा आपने कुछ कहा जिसका मल्टीपल आउटकम्स है, वो तो कभी कंक्लूड ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहें कि कोई पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, तो उसमें क्या होता है कि बड़ा इकोसिस्टम का सपोर्ट होता है, कई लोगों का सपोर्ट होता है। ठीक है, और उसमें एक व्यक्ति को क्रेडिट देने के पीछे वो भाग रहा होता है और बाकी को नेग्लेक्ट कर देता है, तो क्या है कि वो मल्टीपल आउटकम्स का जो है उसको बड़ा लिमिट कर रहा है और डिस्कशन का जो डायरेक्शन है उसको दूसरे तरफ ले जाता है और फिर भाषा बदल जाती है। तो ये सारा जो है तर्कशास्त्र जो है बड़ा तर्क के पहले, जैसे मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य बैठते हैं, तो मंडन मिश्र की पत्नी बैठती है एज अ जज, रूल्स बताती है कि आज के डिबेट का रूल क्या होगा। क्यों? क्योंकि मंडन मिश्र की पत्नी को यह पता है कि अगर ये हारेंगे मेरे पति तो उनके शिष्य बन जाएंगे और मुझे छोड़ के चल जाएंगे। ठीक है, तो डिसाइडिंग फैक्टर में तो वो रूल्स पहले डिसाइड करती है बैठ करके। तो उसमें जो ये निग्रह स्थान का जो रूल है, जाति का जो रूल है, ये वो कास्ट सिस्टम वाला जाति नहीं है, ये तर्कशास्त्र में वो जाति शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपने देखा जो लूप होल्स है, वो सबसे पहला लूप होल होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, दृष्टांत, वो बड़ा सिंप्लीफिकेशन वाला होना चाहिए। जैसे कि संस्कृत में आता है काक चेष्टा बको ध्यानम, मतलब स्टूडेंट का जब बताया जाता है कि कौवे जैसी चेष्टा और बगुले जैसा ध्यान, अब ये बच्चे को भी समझ में आ जाता है। तो एग्जाम्पल इस टाइप से ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल 16 एलिमेंट्स हुआ, यही पूरा तर्कशास्त्र का फंडामेंटल 16 लिम्ब्स है, ऑर्गन्स है। इन 16 ऑर्गन्स को पूरा जब आप समझते हैं तो पूरा तर्कशास्त्र का एक फंडा जो है वो बड़ा क्लियर होता है। और ये जो सबसे बेस्ट पार्ट है पूर्व पक्ष, इसमें ये होता है कि ओपोनेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको पहले खुद बताना चाहिए, और ओपोनेंट को भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इतना अच्छे से बताना चाहिए कि ओपोनेंट को लगे कि वहां तुमको तो मेरे से भी ज्यादा मेरे स्टैंड के बारे में पता है। मतलब सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट अगर लड़ रहा है तो कैपिटलिस्ट वाला सोशलिज्म को इतने अच्छे से समझाए कि वो सेटिस्फाई हो जाए कि तुमको कम से कम ये पता है कि ये क्या है। और सेम ओपोनेंट को भी अपने प्रोपोनेंट के लिए ये पार्ट करना है जिसको हम कहते हैं पूर्व पक्ष। अपना स्टैंड बताना है लेकिन सामने वाले को पहले एक्सप्लेन करना, अच्छा तुम ये बात करना चाह रहे थे, या उसकी बात को रिपीट आप कर सकते हैं, तुम्हारा बोलने का ये मतलब है, और जब तक सामने वाले को लगे नहीं ऐसा मतलब नहीं था तब तक उसको रिपीट करते रहना चाहिए। तो पूर्व पक्ष जो है एक बड़ा झगड़े को तो पहले नलिफाई करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाता है, और एक नॉलेज सिस्टम के प्रति, मतलब उसका हम कहते हैं कि उसको अपग्रेडेशन करता है पूर्व पक्ष। तो तर्कशास्त्र में अगर कुछ भी नहीं याद रहे ये जरूर याद रहना चाहिए, पूर्व पक्ष, सामने वाले का जो स्टैंड है वो पूरा पता होना चाहिए, कंप्लीट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये फंडामेंटली जो मेरा पिछला सेशन था उसमें ऋषि इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कॉम्परेटिव एनालिसिस था। तो उसमें हुआ क्या कि 47 के बाद ये कहा जाने लगा कि अब इंडिया में साइंटिफिक टेम्परामेंट आएगा, ब्रिटिशर्स के पहले साइंटिफिक टेम्परामेंट भारत में नहीं थी, और अभी भी कुछ लोग जब बोलते हैं तो जैसे काउ यूरिन से सब ठीक हो जाएगा, तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। लेकिन अगर हम सामने रखें कि कैंगन वाटर फिर क्या है, एक पानी है जो पीएच चेंज करता है तो बॉडी का हेल्थ इश्यूज सॉल्व होता है। तो ऑब्वियसली काउ यूरिन कोई मेडिसिन नहीं है, बट पीएच बॉडी का अगर वो चेंज करता है तो हमारे मेटाबॉलिज्म और पूरे चेंज करता है, इसलिए वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। तो जब हम उसको कुछ दूसरे भाषा से जब उसको पेश करते हैं, साइंटिफिकली पेश करते हैं, तब लगता है कि हाँ कुछ सही सेंस वाली बात हो रही है। नहीं तो सिर्फ अगर हम क्लेम करें तो वो फिर जो हो जाए कुछ और होने लगता है, जब हम स्यूडो साइंस ये वर्ड का यूज करते हैं। तो इसमें जो जर्नी है वो हमने ट्रेस किया था कि जैसे प्रोडक्ट है आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो आप साइंस को मानते हैं, अगर साइंस ने कुछ दिया नहीं होता तो डिबेट कर रहे होते साइंस है या नहीं, हम नहीं मानते हैं साइंस को। लेकिन उसने हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है तो
हम साइंस को मानते हैं, बट साइंस को नहीं मानते हम टेक्नोलॉजी को मानते हैं, इंजीनियरिंग को मानते हैं, और वो आया कहां से? अप्लाइड साइंस से। उसको ट्रेस बैक करते हैं तो मैथमेटिक्स आता है, उसमें फिजिक्स आता है, उसमें लॉजिक आता है, एरिस्टोटेलियन लॉजिक। मतलब लॉजिक नहीं होगा तो फिजिक्स मैथ्स ये कुछ नहीं आएगा। तो बड़ा एक रूट सब्जेक्ट होना चाहिए लॉजिक सिस्टम। तो हमारा जो आज का जो तर्कशास्त्र है उसको संस्कृत में न्याय दर्शन कहते हैं, ऋषि गौतम ने दिया था। गणित हमारे पास है, अप्लाइड साइंस है, और आयरन पिलर को जब हम देखते हैं दिल्ली में तो यहाँ समझ में आता है कि अच्छा मेटलर्जी तब तो रही होगी, बिना मेटलर्जी के कोई आयरन पिलर कैसे बना सकता है, ठीक है? तो हम प्रोडक्ट को या एंड रिजल्ट को देख करके एक ट्रेस बैक कर सकते हैं कि नहीं कुछ तो रहा होगा। जियोलॉजी की समझ रही होगी, हाइड्रोग्राफी की समझ रही होगी, ज्योग्राफी की समझ रही होगी, मेटलर्जी की समझ रही होगी, उसके बिना वो बन ही नहीं सकता। और उसको ट्रेस बैक करने पर एक जो पॉइंट वीक पड़ता था वो फिजिक्स पड़ता था। फिजिक्स हमारे पास कहाँ है? तो वैशेषिक दर्शन जो है वो इस चेन को कंप्लीट करता है, जिसको आप कभी देखेंगे ऋषि कणाद ने दिया था, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तीनों आपको वहां पर मिलता है, ठीक है? और इवन YDSC एक्सपेरिमेंट सबने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसमें जो एरर आता है उसको भी आप वैशेषिक दर्शन से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सीक्वेंस है ये उसका जो रूट है वो है तर्कशास्त्र। बिना तर्कशास्त्र से साइंस और साइंटिफिक टेम्परामेंट दोनों नहीं आते हैं। अभी हम देखें तो लाइक कोई किसी की ओपिनियन की वैल्यू नहीं करता है, और पहले तो वो बहुत ज़्यादा मतलब पहले जैसे आपने बताया कि पहले उनका ओपिनियन रखेंगे, मतलब जो वो कहना चाहते थे पहले उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर उनको काटेंगे ऐसे करके, बट आजकल तो हर कोई अपने ही बोलने में लगा रहता है, तो फिर इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं लाइफ में? तो संस्कृत में वर्ड आता है अनुशासन, डिसिप्लिन। पहले तो वो डिसिप्लिन सीखना होगा कि समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, 2 घंटे बात किए, 1 घंटे बात किए, 2 घंटे वीडियो देखे, मतलब टाइम को अगर यूटिलाइज करना है तो कुछ कॉन्क्लूड करने का कैपेसिटी होना चाहिए। मतलब आप नहीं तो फिर आइडेंटिटी क्राइसिस आएगी सबसे पहले। एक तो समझ नहीं आएगा करना क्या चाहिए, साइड कौन सा सही है ये भी नहीं समझ में आएगा। तो तर्कशास्त्र पहले तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी सिखाता है, निर्णय करना सबसे पहला। इररिलेवेंट टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है बातचीत में वो भी बताता है। तो कॉन्शियस जब आप होते हैं तो ये चीज आपको समझ में आती है। दूसरा, क्या आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्या न्यूज आ रहे हैं, वो सब फिल्टर करने की जो कैपेसिटी है वो आपके अंदर आती है। पर्सुएसिव पावर आता है। आप जब तक एकदम आपसे एकदम कहते हैं ना कट्टर दुश्मन, जब तक आप उसको कन्विंस नहीं कर पा रहे तो आपकी आप अपने लोगों को तो कन्विंस कर ही सकते हैं, तो वो कैपेसिटी तभी बिल्ड होगी। तो हम कहते हैं कि जो होता है ना महावीर शब्द का एक प्रयोग होता है, हमारे जैन संप्रदाय में भी महावीर शब्द आता है, तो कहते हैं कि जो युद्ध में जीतता है उसको वीर कहते हैं, और जो स्वयं को जीतता है उसको महावीर कहते हैं, है ना? तो तर्कशास्त्र ये कह रहा है कि इंद्रिय जय, पहले तो पावर क्या है। अभी नेक्स्ट बुक मेरी अभी आई नहीं है, बट वो चाणक्याज इंटेलिजेंस पे, तो उसमें किंग मेकर वो कैसे बनते हैं, तो किंग को वो क्या बताते हैं कि जो कलयुग है उसमें फंडामेंटली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और सेंस परसेप्शन आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है? आप रील्स देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा 1 घंटा कब बीत गया, क्योंकि उसकी जो एल्गोरिथम है वो आपको एडिक्शन पैदा करने के लिए वो बनाया गया है उसको, ठीक है? तो सेल्फ कंट्रोल आप तो लूज कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, बहुत कुछ है जो हम अपना कंट्रोल खो रहे हैं, और आप अपना कंट्रोल खोइएगा तो कोई और आपको कंट्रोल करेगा, है ना? तो लीडरशिप कैपेबिलिटीज में बहुत कुछ बात की जाती है, बट फंडामेंटल रूल है कि स्थिरता बहुत होनी चाहिए, आपको इन्फ्लुएंस कोई ना कर पाए, और आप बहुतों को इन्फ्लुएंस कर दें। तो ये तर्कशास्त्र जो है, तो जो रेलिवेंसी है वो तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है ये, इवन साइंस में भी। अगर कोई एंशियंट साइंस हमारे पास आता है उसको साइंटिफिक टेम्पलेट नहीं देंगे तो फिर वो स्यूडो के रूप में ही वो रह जाएगा, है ना? इकोनॉमिक्स में जैसे अर्थशास्त्र की बहुत बात होती है, बट अर्थशास्त्र में बहुत लोग ये ढूंढ भी नहीं पाते कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का चैप्टर ये है। क्यों? क्योंकि उनका लेंस ओपन नहीं है। पहला उनको लग रहा है 2500 साल पहले कौन जो है ऐसी बात कर सकता होगा, ओपन ही नहीं है माइंड, है ना? तो तर्कशास्त्र टाइम पे भी बहुत अच्छे से बात करता है कि टाइम इज नॉट अ लीनियर प्रोग्रेशन, टाइम इज साइक्लिक। अब युग को मानते हैं नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन टाइम इज साइक्लिक। वो पेड़ को देखकर आप देख सकते हैं कि हर साल पेड़ अपने पत्ते को क्यों गिराता है। हैरी पॉटर में फिनिक्स का देख करके सबको बड़ा लगता है कि फिनिक्स जो है अपने राख से, अपने ऐश से ही जन्म लेता है, तो नेचर में तो वही हो रहा है। पत्ते जब झड़ते हैं वही ह्यूमस बनते हैं, फिर वही नर्चर करते हैं। तो जहां डिस्ट्रक्शन है वहीं पे रेजुविनेशन भी होता है। तो चीजें साइक्लिक हैं। तो
लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है, इसका मतलब पास्ट में भी कुछ अच्छी बातें होंगी और जरूरी नहीं कि भविष्य में अच्छी बातें होगी या आपके साथ जो घट रही है वो भी बहुत प्रोग्रेसिव है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जो सोशल टैबू को तोड़ता है वो, उसको हम हेल एज अ हीरो हम कहते हैं, कि जो सोशल ऑब्लिगेशन सोशल नॉर्म्स को तोड़ेगा वो पॉप स्टार, वो आगे बढ़ता है ना। तो लीनियर प्रोग्रेशन जब भी आप देखेंगे तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि लीनियरली हम ग्रो कर रहे हैं, बट ये साइक्लिकल है, आपका डाउनफॉल भी आ रहा है। तो ये डाउनफॉल है कि हम बात कर रहे हैं और सुनना नहीं चाह रहे एक दूसरे का, तो कुछ कॉन्क्लूड नहीं होगा, है ना। तो तर्कशास्त्र एक अप्रोच भी देता है, एक लेंस भी देता है आपको, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। सर मुझे पूछना है कि अकॉर्डिंग टू दिस बुक आपका कौन सा खुद का फेवरेट चैप्टर है, कौन सा पार्ट, और कौन सा ऐसा पार्ट है जो आप एज अ लाइक वी आर द यूथ राइट, तो हमारे लिए कौन सा सबसे इफेक्टिव होगा या आज के टाइम पर हम उसको मतलब जो इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि वी आर ऑल्सो इन द स्टेज जहाँ पे हमें फैमिली को भी देखना है, वी आर नॉट सो यू नो, हम किड्स भी नहीं है और हम बहुत बड़े भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स या इश्यूज को डील करते हैं। फॉर एग्जांपल वी थिंक ऑफ द फैमिली, वी थिंक ऑफ आर करियर, वी थिंक ऑफ आर एकेडमिक्स एंड हमारी खुद की कुछ पर्सनल चॉइसेस हैं या हम कुछ अपना परस्यू करना चाहते हैं, तो ये कुछ डायलेमा होते हैं हमारी एज के हिसाब से। तो ये कैसे इफेक्टिव हो सकता है, कौन सा ऐसा पार्ट है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप हमें रिकमेंड कर सकते हो? इसमें एक कॉग्निशन का चैप्टर है, एक्सपेंशन ऑफ कॉग्निशन, बुद्धि, बुद्धि कैसे बढ़ेगी, ठीक है। उसका जितना भी संस्कृत शास्त्र है, और बुद्धि कब भ्रष्ट होती है, कब जो है, तो उसमें उसमें एक मैंने जो प्रश्न ये आता है कि बचपन से पढ़े कि भगवान बुद्ध बैठे हैं पीपल पेड़ के नीचे और ज्ञान प्राप्ति हो गई, ना प्रोफेसर्स हैं, ना टेक्स्ट है, ना डिस्कशन है, और जिनको मेडिटेशन के बारे में पता है उसमें थॉटलेसनेस, विचार शून्यता की बात होती है, थॉट्स भी नहीं है। तो ऐसा क्या होता है जब आप शांत होते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं, कैलकुलेटेड मैनर में नहीं चलते हैं, तो हम वहां पर कहते हैं इंट्यूटिव पावर आती है। बहुत सारे लाइफ के डिसीजंस बहुत कैलकुलेटेड मैनर में और दूसरों को देख करके नहीं ली जाती है, वो अंदर से आती है कि ये पार्ट हमें करना है, ठीक है। और उसके लिए बुद्धि को मतलब इंपावर करना बड़ा जरूरी है, और उसका जो सबसे बड़ा रूल है कि मन कंट्रोल में हो। शरीर को हमारा रथ के हिसाब से एनालॉजी दी जाती है, उपमान प्रण, रथ को देखिए आप, घोड़ा है, लगाम है, सारथी है, और रथ में बैठा हुआ है, ठीक है। तो रथ में जो बैठा हुआ है उसको आत्मा कहते हैं, और जो सारथी है उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि को मैप दे दीजिए, सारथी को, रथ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। घोड़े को क्या चाहिए, ट्रेनिंग, और घोड़े में लगाम कसना आना चाहिए, और लगाम को मन कहा जाता है। तो हम ये जो कहते हैं ना, आज मेरा मूड ये नहीं कर रहा है, तो मूड पे जो जीवन चल रहा है वो मन चला रहा है, और ये बहुत डेंजरस है। मन जो है वो तो बदलते रहता है ना, 2 साल पहले कुछ और मन होगा, 2 साल बाद कुछ और मन होगा, 4 साल बाद कुछ, तो मन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, पहला तो ये समझ जाइए। मन को कंट्रोल करेगा बुद्धि, ठीक है, और बुद्धि को चाहिए ट्रेनिंग, और वहां पर योग आ जाता है। बहुत लोग योग को हेल्थ से जोड़ते हैं, बट योग, अभी मैं IIPS गया था तो वहां पर यही डिस्कशन हुआ कि योग इज पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। आपको मेंटल हेल्थ चाहिए होगा, आपको आपके अंदर क्षमा करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जब तक आपको नहीं आता है तो ठीक से तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, कि झगड़े को कैसे रिजॉल्व करें, समझाएं कैसे, बातों से तो समझ में आ नहीं रहा है, जितना शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उतना उलझता जा रहा है बात। तो क्या है कि एक शब्द में भी एक कन्विंसिंग पावर होती है, 4 लाइन आप बोलते हैं वो 40 लाइन के बराबर होता है। वो कैपेसिटी कहां से आएगी, मिठास कहां से आएगा, सामने वाला शांत कैसे हो जाए आपकी बातों को सुन करके। कभी कभी आप नोटिस किए होंगे कि आप एक व्यक्ति से कभी नहीं मिले, पहले ही इरिटेट हो जाते हैं आप, उससे मिलने के पहले आपको इरिटेशन होना चालू हो जाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है इसको तो हम सालों से जानते हैं, ठीक है। तो जो ऑरा है वो मन, और जो हम कहते हैं कि वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, तो अपना ऑरा बड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको बहुत स्टेबल और स्थिर होना पड़ेगा, जिसके लिए प्राणायाम होता है। तो 10 सॉल्यूशंस तो नहीं बताऊंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि एज अ डिसिप्लिन कुछ चीज आप इंक्लूड कर दे लाइफ में रेगुलर, पढ़ना अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, घूमना, ठीक है, तीसरा हो गया योग, ये कंपल्सर होना चाहिए, ये इट्स नॉट अ चॉइस कि हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, इसको करना ही करना है। अगर ये आप नहीं, समस्या का भी एक बहुत अच्छा समाधान है कि समस्या से थोड़े देर के लिए दूर हो जाइए, समस्या में घुसे रहेंगे तो सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि ना मिले, या मिले तो थोड़ा दूर हो जाइए,
एक होता है ना वो चाणक्य का भी एक नीति आता है कि डिसीजन नहीं लिया जाता है, ना आगे बढ़ा जाता है ना पीछे, टाइम देखा जाता है। तो ये सारी कैपेसिटी आएगी बुद्धि को बढ़ाने से, और बुद्धि आएगी योग से, और योग आएगी डिसिप्लिन से। और इसके लिए चाहिए, योग कहा जाता है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए पहला तो, ठीक है, पावरफुल होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, 2 मिनट की 1 मिनट की उससे नहीं होगा, आधा घंटा होना चाहिए। मतलब जिम में जितना समय दे रहे हैं बॉडी के लिए आप समय दे रहे हैं, मन को ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। मन को आप देखिए, सारे प्रोडक्ट्स बॉडी के लिए हैं, एयर कंडीशनिंग, मन के लिए जो प्रोडक्ट है वो लिकर आ जाता है उसमें, और वो सॉल्व करता नहीं है, बाद में और प्रॉब्लम बढ़ा देता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो अभी के उपाय हैं वो उतने सही नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट करिए। प्रोडक्ट बेस्ड पिल्स, स्लीपिंग पिल्स है ना, स्ट्रेस के लिए आप ले रहे हैं, सर दर्द के लिए ले रहे हैं, माइग्रेन के लिए ले रहे हैं, तो ये अप्रोच ही गलत है। शरीर के लिए वो सब काम करेगा, मन के लिए नहीं काम करेगा। मन को ट्रेनिंग चाहिए होता है, मन को ये चाहिए होता है कि मन नहीं भी लग रहा है तो ये काम हमको करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब हमारे जनरेशन को तो एकदम चाहिए ही चाहिए, ठीक है।